एम्स निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम के लिए एमएसयू के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज। भारी संख्या में पुलिस के साथ तैनात थे मजिस्ट्रेट। प्रशासन ने शिलान्यास का नहीं दिया इजाजत। प्रदर्शनकारी ने प्रशासन पर लगाया कार्यकर्ताओं को रोकने और मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप। सदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में मंगलवार को भेलचुक मोहल्ला से 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वही मौके से कारोबारी पिता पुत्र दोनों को गिरफ्तार किया है। कारोबारी बहेरा थाना के तुर्की निवासी परमानंद लाल देव के पुत्र निरंजन लाल देव एवं उसके पुत्र सचिन कुमार का नाम बताया गया है। एमएलए एकेडमी शिक्षक नरेश कुमार झा को जिला स्कूल प्राचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया है। बता दें कि इससे पूर्व डीपीओ एमडीएम संजय कुमार देव कन्हैया जिला स्कूल प्राचार्य के प्रभार में थे। समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सह पोषण माह के तहत दरभंगा जिले में पोषण परामर्श केंद्र का उप विकास नरेश सुल्तानिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर महिला एवं बाल विकास निगम के भवन में किया गया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा, 5 अक्टूबर तक सचेत रहने के दिए निर्देश। जानलेवा हमला के दो आरोपी गिरफ्तार। सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र की कटका पंचायत के मोहनपुर में 10 जून को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त चंद्रमोहन मिश्रा व नवीन मिश्रा को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिलान्यास के एक साल बाद भी नहीं बनी सड़क। बहेरी प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली हथौड़ी कोठी बहेरी मुख्य सड़क पर 2 से 3 फीट पानी के जमाव से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद संबंधित विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर के लहरियासराय गुदरी में हरितालिका तीज पर्व को लेकर खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़। बाढ़ग्रस्त कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के पानी में लगातार कमी जरूर हो रही है, लेकिन लोगों की समस्या में कोई कमी नहीं हो रही है। अभी भी पूरे प्रखंड में किसी भी सड़क से पानी नहीं उतरा है, जिस कारण लोगों की आवाजाही करने का एकमात्र सहारा नाव ही बची है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब लोगों को महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को आरटीपीएस से जोड़ दिया गया है। इसके तहत एक सप्ताह में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों का लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। बेनीपुर में 243 लोगों ने किया नामांकन। पंचायत चुनाव को लेकर बेनीपुर में दूसरे दिन विभिन्न पदों पर 243 लोगों ने नामांकन कराया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुखिया पद पर 18, पंचायत समिति 21, सरपंच 14, वार्ड सदस्य 150, पंच पद पर 33, जबकि जिला परिषद के बेनीपुर एवं अलीनगर क्षेत्र से 7 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर में परिवार की आर्थिक स्थिति, रहन सहन की होगी पड़ताल। वायरल मौसमी बुखार से बचाव के लिए होगा सोशल इकोनॉमिक सर्वे। ग्राहकों की राशि गबन मामले में बैंक मैनेजर गिरफ्तार। समस्तीपुर में बैंक के ग्राहकों से पैसे लेकर खाते में जमा नहीं करने का लगा था आरोप। पुलिस ने पीएनबी के मैनेजर को पकड़ा। पुलिस गाड़ी नहीं आई तो बाइक से लेकर गए लाश। मुजफ्फरपुर में 36 घंटे के बाद मिली लाश। टहलने के दौरान पानी में डूबने से हुई थी मौत। पुलिस गाड़ी लेकर नहीं आई तो बाइक से सब लेकर गए परिजन। ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने कपड़ा दुकान में किया लूट। हथियार के बल पर दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लेकर लुटेरे हुए फरार।